हंगामे के चलते सदन के दोनों सदनों में कामकाज पांचवें दिन भी रहा ठप। लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। गांधी प्रतिमा के सामने विपक्षी नेताओं का प्रदर्शन। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विरोध में शामिल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश और संसद का अपमान कर रहे। सपा का मिशन 2024 बंगाल में बंपर तैयारी। कोलकाता पहुंचे अखिलेश यादव, सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। सदन के बजट सत्र का दूसरा चरण अब तक हंगामों से भरा रहा। केंद्र सरकार राहुल गांधी को लंदन में दिए उनके बयानों के लिए घेर रही है, तो विपक्षी अडानी मामले में हिडनबर्ग की रिपोर्ट को मुद्दा बना रहा है। इसके चलते लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा जारी है और इसी हंगामे के चलते बजट सत्र के दूसरा चरण के पांचवें दिन दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई है। संसद में विपक्षी नेता गांधी प्रतिमा के मामले अडानी मामले में जिस पीसी मांग की कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विरोध में शामिल हुए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियां रणनीति बनाने में जुट गई हैं। वहीं अखिलेश यादव आज कोलकाता पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का भव्य स्वागत किया। बता दें कि 18 और 19 मार्च को कोलकाता में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें अखिलेश यादव बैठक की अध्यक्षता करेंगे। खास बात यह है कि कोलकाता के इस दौरे के दौरान अखिलेश पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके लिए 400 सीटों वाला ऑडिटोरियम भी तैयार हो चुका है। बता दें कि शाम 5 बजे सीएम ममता बनर्जी से अखिलेश यादव मुलाकात करेंगे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुड़ा की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा, इस अवसर पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गांव में हुआ था। उन्होंने आजादी की लड़ाई के प्रत्येक अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मित्रों, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा जी की आज पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मैं प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि स्वर्गीय बहुगुणा जी का जन्म आज के उत्तराखंड के पौड़ी जनपद के गांव में हुआ था। बचपन की शिक्षा गांव में ही प्राप्त करने के उपरांत वे आगे की पढ़ाई के लिए
प्रदेश के प्रमुख शिक्षा के केंद्र प्रयागराज में आए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के लंदन वाले बयान को लेकर बीजेपी आक्रामक रुख अपनाए हुए है और लगातार उनसे माफी की मांग कर रही है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश और संसद का अपमान कर रहे हैं। इससे पहले बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पीसी करके राहुल पर हमला बोला था और कहा था कि विदेशी भूमि पर भारत के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए तमाशा खड़ा कर रही है। मैं एक सांसद हूं, इसलिए पहले सदन में अपनी बात रखना चाहता हूँ, मीडिया से बाद में बातचीत होगी। उसका प्रतिकार इसी देश की जनता ने किया था, आपके शासन को उखाड़ फेंका था, किसी विदेशी ताकत ने नहीं। राहुल गांधी जी, आप विदेशी धरती पर भारत को बदनाम कर रहे हैं, जबकि आज दुनिया में भारत को सलाम कर रही है दुनिया। इटली के पीएम ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सबसे लवेबल पीएम कहा है। वर्ल्ड बैंक से लेकर आईएमएफ तक ने भारत के विकास गाथा की सराहना की है। जर्मनी के चांसलर ने भारत के विकास को अद्भुत बताया है। अमरीका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस, ब्रिटेन, उसका प्रतिकार इसी देश की जनता ने किया था, आपके शासन को उखाड़ फेंका था, किसी विदेशी ताकत ने नहीं। राहुल गांधी जी, आप लखनऊ में रमजान को लेकर ऐशबाग ईदगाह में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई, जिसमें उलमा और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई। वहीं बैठक में वरिष्ठ मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी और महली भी शामिल हुए। बता दें कि जेसीपी उपेंद्र अग्रवाल ने रमजान में बेहतर व्यवस्था का भरोसा दिलाया। साथ ही बैठक में महिलाओं को लेकर ईदगाह में बड़ा फैसला लिया गया, जिसके तहत इस साल महिलाएं तारावीह की नमाज ईदगाह में अदा कर पाएंगी। मुबारक का चांद देखा जाएगा, अगर चांद हो जाता है तो उसी दिन से 23 मार्च से तरावी शुरू होगी और 24 को इंशाल्लाह पहला रोज़ा होगा। और इस सिलसिले में आज ईदगाह लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के जिम्मेदारों की मीटिंग, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस कमिश्नरेट, नगर निगम और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जिम्मेदारान के साथ हुई, जिसमें यह डिमांड रखी गई कि रमज़ान मुबारक को देखते हुए तमाम इंतजाम, चाहे पानी हो, बिजली हो, सफाई हो, इन तमाम चीज़ों के इंतजाम वक्त से पहले कराए जाएँ। और इसी के साथ साथ इस साल यहाँ ईदगाह में जो हर साल तरावी होती है उस देखिए, जैसा जानते हैं आप लोग, अब ये रमज़ान का पाक महीना प्रारंभ होने वाला है, फिर इसके बाद ईद मनाई जाएगी। उसी की तैयारियों के संबंध में ये बैठक रखी गई थी, आज पूर्व निर्धारित बैठक थी और सभी विभागों के लोग भी उपस्थित हुए थे। तो जो तैयारियों में जो रिक्वायरमेंट है उन्होंने सारी लिस्ट हमें दी है, सभी विभागों को भी निर्देशित किया गया है और हम इंश्योर करेंगे कि जो भी आगे त्यौहार आ रहे हैं उसमें जो रिक्वायरमेंट इन्होंने बताई है वो सारी पूरी की जाए, अच्छी से अच्छी व्यवस्था दी जाए, चाहे साफ सफाई की हो, बिजली की हो, चाहे पुलिस व्यवस्था हो, ट्रैफिक की व्यवस्था हो, सभी व्यवस्था के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे, सभी ने नोट किया। तो हम विश्वास दिलाना चाहते हैं उनको कि अच्छी व्यवस्था हम देंगे और अच्छे खुशनुमा माहौल में। अलीगढ़ में गौशालाओं में गौवंशों का हाल दयनीय होता जा रहा है। ग्राम पंचायत अधिकारियों और ग्राम प्रधानों द्वारा देखरेख और चारे का खर्च इतना कम दिया जाता है कि इससे गौवंशों का गुजारा नहीं हो पाता है। इस वजह से गौवंशों की तड़प तड़प कर मौत हो रही है। स्थानीय लोगों की शिकायतों पर भी सरकारी तंत्र गहरी नींद में सो रहा है। वहीं लोगों ने इसको लेकर काफी प्रदर्शन किए, लेकिन सरकारी तंत्र की कान में जू तक नहीं रेंगी। गौवंशों की देखरेख कर रहे सुखदेव ने बताया कि गौवंशों के चारे के लिए 30 रुपए प्रति पशु के हिसाब से आते हैं, जिसमें पशुओं का गुजारा नहीं हो पाता। साथ ही देखरेख करने के लिए जो पैसे मिलते हैं वो मनरेगा मजदूरी से भी कम है। वहीं पिछले 7 महीने से वेतन तक नहीं मिला है। मौत का घर कहूँ जाते तो नहीं है, टाइम से खाना मिलता नहीं, सूखे के माजी जिंदे रहेंगे। खाना भरपेट नहीं मिल रहा, भरपेट कहाँ मिल रहा, सूखे तो सूखे ही है। तो इसी वजह से मौत का घर है। तो इस संबंध में आपने किसी अधिकारी को अवगत कराया? यहाँ कोई ना, तो आएंगे अपने खाना पूर्ति करके चल देते हैं, खाना पूर्ति करके चले, और यहाँ ना कोई पूछ रहा। दूर दशा तो खैर सही ऐसा 30 रुपया में जी गुजारा है, ज्यादा तो ही है।
30 रुपए में इनका भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा, मिल पा रहा, इसी वजह से इनकी हालत बिगड़ रही है। और इस संबंध में तुमने किसी अधिकारी को बताया? अधिकारी कोई पूछता ही ना, आवता भाई फॉर्मेलिटी पूछ के चले जाता। प्रधान का क्या कहना है? प्रधान तो रोवत रहा था, रो रो के डालता प्रधान तो क्या कहता रो रो के डालता है ला के चारो घुसा है तो वो ना डालते तो ना मजबूरी, मतलब ये मजबूरी में कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं, उन्हें डॉक्टर होना था। फरीदाबाद में महिला संबंधित अपराधों को लेकर पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बता दें कि पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने बलभटगढ़ महिला थाने का दौरा किया। इस दौरान पुलिस कमिश्नर ने तमाम थानों की महिला पुलिस कर्मियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी और उन्हें महिला संबंधित अपराधों को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस कमिश्नर में महिला थाने में तैनात अधिकारियों को सभी कॉलेजों के बाहर दुर्गा शक्ति ऐप का प्रचार करने का आदेश दिया, जिससे कोई भी परेशानी आने पर इस ऐप के माध्यम से पुलिस से संपर्क किया जा सके। इस दौरान पुलिस कमिश्नर ने कई कॉलेजों के टीचर और छात्राओं से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनी। आज हमने यहाँ महिला थाना बल्लभगढ़ में सारे जो वुमेन पुलिस है हमारी फरीदाबाद की, उसको बल्लभगढ़ में बुला के उनकी मीटिंग ली है महिला थाना बल्लभगढ़ में। तो पहले तो हमने महिला थाना बल्लभगढ़ का निरीक्षण किया कि भाई किस तरह की यहाँ व्यवस्था है, किस तरह पब्लिक आती है, बैठने की उनकी क्या व्यवस्था है और किस तरह उनसे उनके साथ यहाँ डीलिंग की जा रही है और क्या इस थाने में कमियाँ हैं, तो उसको पूरा ध्यान से देखा है और उनको दूर करने के लिए उचित दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। दूसरा, हमने सारी जो महिला थाना NIT, महिला थाना सेंट्रल, महिला थाना बल्लभगढ़ और जो हमारी वुमेन हेल्प डेस्क है, प्रोटेक्शन अफसर हैं हमारी, और साथ में जो हमारी दुर्गा शक्ति ऐप और दुर्गा शक्ति की टीम्स हैं, उन सब का अलग अलग रिव्यू किया है कि उन्होंने पिछले 2 महीनों में क्या क्या उन्होंने काम किया है और आगे की हमारी क्या रणनीति होगी। उत्तर प्रदेश के संबल जिले के चंदौसी थाना क्षेत्र में एक निजी कोल्ड स्टोरेज के चैंबर की छत ढहने से मलबे में दबने से दर्दनाक हादसा हुआ है। वहीं सीएम ने इस हादसे पर दुख जताते हुए मुआवजे का ऐलान कर दिया है। हादसे में मरने वालों को परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया गया है। साथ ही बता दें कि यूपी सरकार की मंत्री गुलाबो देवी घटनास्थल पर पहुंची। वहीं मंडलायुक्त मुरादाबाद भी मौके पर मौजूद है, जहां घटना के संबंध में अधिकारियों से जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं हादसे में अब तक 23 लोगों को मलबे से निकाला गया है और 9 मजदूर के उपचार के दौरान मौत हो गई है। साथ ही 14 लोगों का इलाज जारी है। हादसे के 24 घंटे बाद भी SDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अलीगढ़ विद्युत कर्मचारी पिछले दिनों ऊर्जा मंत्री, मुख्यमंत्री, सलाहकार और पावर कॉरपोरेशन की MD के बीच हुए 14 सूत्री मांगों के समझौतों को नहीं माने जाने के विरोध में लाल डिग्गी पर धरने पर बैठे विद्युत कर्मचारियों की रात्रि 10 बजे से 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल के मद्देनजर वैकल्पिक व्यवस्था के लिए NTPC के अभियंताओं को बुला लिया गया है। साथ ही कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि हड़ताल के दौरान विद्युत कर्मियों या किसी पदाधिकारी का उत्पीड़न किया गया तो इस हड़ताल को अनिश्चितकालीन के रूप में बदल दिया जाएगा। चला गया था मशाल जुलूस 3 दिसंबर लिखित समझौते के क्रियान्वयन के लिए, जो माननीय ऊर्जा मंत्री जी का और हमारे CM साहब श्री अवनीश अवस्थी के सलाहकार जो हैं CM साहब के, तो लिखित समझौता हुआ था लेकिन उसका क्रियान्वयन ना होने की वजह से ये सारी चीज़ें उत्पन्न हुई हैं। कल भी हम लोग कार बहिष्कार पे थे, आज भी कार बहिष्कार पे हैं और आज जो है 16 तारीख आज है, रात 10 बजे से जनरेशन और ट्रांसमिशन की जो हमारी शिफ्ट होती है, पाली होती है, वो भी आज हड़ताल में शामिल हो जाएंगी। स्ट्राइक जारी नहीं है, आज रात 10 बजे से स्ट्राइक 72 घंटे की जारी होगी। हम लोगों की अभी अनिश्चितकालीन स्ट्राइक का नोटिस नहीं है, ये 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल का नोटिस है और 72 घंटे की जो हड़ताल होगी उस दौरान अगर किसी भी कर्मचारी, अधिकारी या हमारे संविदा के साथी के साथ कोई भी उत्पीड़न की कार्रवाई की जाती है तो ये जो स्ट्राइक है वो अनिश्चितकालीन में भी बदल जाएगी और सामूहिक जेल भरो आंदोलन में भी बदल जाएगी। कोई वार्ता नहीं हो पा रही है? हमारी नहीं वार्ता हुई है, जब से नोटिस दिया है अभी पिछले 2-3 दिन में माननीय ऊर्जा मंत्री जी के साथ 3 बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन वो लगातार केवल और केवल समय मांग रहे हैं। जो समझौता हो चुका है उस समझौते पे
उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।